फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। अब कभी भी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल वगैरह करते तो वहाँ पे नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है अननोन सोर्सेस का। तो अननोन ऐप्स जो होता है उसको कैसे अननोन सोर्सेस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप और ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको जाना होगा सेटिंग में। तो सेटिंग आपको यहीं कहीं देखने को मिल जाएगा और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन, और एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेस परमिशन और डिफ़ॉल्ट ऐप्स वगैरह दिखेगा। इस पर क्लिक करते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट ऐप, हाँ डिफ़ॉल्ट ऐप में क्या होता है फ्रेंड्स कि आप यहाँ से कई बार अगर कोई और एप्लीकेशन होता है उसको ऑन हो जाता होगा तो इसको आप डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं, या फिर कोई और ब्राउज़र को भी डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इंस्टॉल अननोन ऐप्स, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस सबको यहाँ से परमिशन दे सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं अननोन सोर्सेस को। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।